नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। राजधानी पटना में गंगा का जल स्तर जो है, अगर डेंजर लेवल का मानक देखा जाए तो 50.45 मीटर है। फिलहाल में गंगा का जलस्तर जो है 52.01 मीटर की गति से जो है वो बह रही है। ऐसे में 163 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर गंगा का जलस्तर जो है वो बह रहा है। इस वक्त हमें गांधी घाट और यहाँ की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से जो है यहाँ लोग जो हैं वो लुफ्त उठा रहे हैं गंगा का पानी में जो है, वो देखिए किस तरह से लोग जो है तैर रहे हैं और कोई यहाँ पे मस्ती करते नजर आ रहे हैं। यानी कि जो खतरा है उससे भी लोग जो हैं अभी तक फिलहाल रूबरू नहीं हुए हैं और अटखेलियाँ करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी बताते चले कि देखिए यहाँ पे जो मीटर लगाया गया है, अगर उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि फिलहाल 50 मीटर अगर देखा जाए तो उससे इसका जो जो असर है वो ऊपर है, क्योंकि अगर डेंजर लेवल बिहार में 50.45 मीटर है तो उससे जो है कहीं ना कहीं गंगा का जलस्तर ऊपर ही बह रहा है। ऐसे में जो अगर खतरा देखा जाए तो वो कम नहीं है फिलहाल में। और वहीं राजधानी पटना के किनारे जो बसे जो लोग हैं उन लोगों में भी काफ़ी भय देखा जा रहा है कहीं ना कहीं। और कई इलाकों में तो घरों में पानी भी घुस गया है। गंगा का जलस्तर में बढ़ोतरी हुई तो स्थिति और भी गंभीर होने की संभावना है। हालांकि आपको बताते चलें कि कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि पूरा गांव जो है जो आसपास जो गंगा के किनारे जो गांव बसा हुआ है, आसपास का गांव जो है उसमें काफ़ी पानी घुस जाने के कारण लोगों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो रखा है। और यही नहीं, हर साल बाढ़ के कारण मवेशियों और परिवार के साथ किसी तरह सड़क पर लोग गुजर बसर करते थे, लेकिन इस बार तो 4 लेन बन जाने के कारण काफ़ी दिक्कतें हो रही है। मजबूरी है, कहाँ जाएगा लोग। अभी भी लोग जो है घरों के सामान को लेकर सड़क के किनारे जो हैं ऊंची जगहों पर चल रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई खतरा न हो, ताकि वो अपने परिवार के साथ जो है सुरक्षित रह सकें। ऐसे में स्थिति खराब तो हो तो अगर जान माल का भी नुकसान होगा। और यही नहीं, बाढ़ का पानी कई क्षेत्रों में आने से सभी फसल बर्बाद हो गए हैं। कई एकड़ में जो सब्जी की खेती की गई थी वो भी बर्बाद हो चुका है पूरी तरह से। तो कहीं ना कहीं और यही नहीं, मवेशियों के चारे का भी समस्या का उत्पन्न होने लगा है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ जाने के कारण आम जीवन जो है अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और गांधी घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख रहे होंगे कि किस तरह से गंगा का जल जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अगर मीटर की अगर बात बताएं, अगर यहां पे जो लगाया गया है वो जो मापा जाता है, जिससे लेवल मापा जाता है, वो मीटर की अगर बात करें तो देखिए 60 मीटर से कुछ ही नीचे जो है वो जलस्तर है। धीरे धीरे यह बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में खतरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और लोगों को भी कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये गांधी घाट की तस्वीर थी, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। खतरे में भी लोग खेलते नज़र आ रहे हैं और स्टंटबाजी भी करते नज़र आ रहे हैं। अभी भी लोगों में जो भय होना चाहिए वो नहीं है। पुलिस प्रशासन की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है ताकि लोगों को सचेत कर सके। बैनर पोस्टर भले ही चिपका दिया गया हो, लेकिन लोगों को सावधानी किस तरह से बरतनी चाहिए ये यहाँ पे कुछ नहीं देखा जा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट मोड में आना चाहिए ताकि जो घटना होती है वो ना हो सके, किसी तरह से यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, इसका भी खासा ख्याल रखा जाए। लेकिन फिलहाल यह तस्वीर हम गांधी घाट के दिखा रहे हैं, जहाँ किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, आम जीवन ऐसे में और भी अस्त व्यस्त नजर होंगे, क्योंकि कई क्षेत्रों में पानी घुस जाने के कारण आम जीवन जो है वो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को, मवेशियों को भी दिक्कत हो रहा है, जो परिवार है उन्हें भी परेशानी हो रही है। तो इसके अगर एक तरफ यह भी देखा जाए कि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं अगर गांधी घाट की, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। आप तस्वीर भी मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, लोगों को जो भय है वो नहीं सता रहा है। यहाँ पे लोग जो है वो मनोरंजन भी करते नजर आ रहे हैं। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, धन्यवाद।